हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे धड़क 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलो दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 2018 में जाह्नवी कपूर ने धड़क नाम की मूवी से अपना करियर शुरू किया और एक ब्लॉकबस्टर मराठी मूवी सैरत का हिंदी रीमेक थी। फिल्म ठीक ठाक पसंद की गई, पर इसमें जाह्नवी कपूर की एक्टिंग सभी को बहुत ही पसंद आई और आज जाह्नवी कपूर के फैंस बहुत सारे हैं। इसी के साथ जाह्नवी कपूर फिलहाल साउथ में भी डेब्यू करने जा रही है। 2018 में उन्होंने करियर शुरू किया, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है और बैक टू बैक कई सारी मूवी दी और अब दर्शकों के बीच जाह्नवी कपूर बहुत ही पसंद की जाने वाली एक्ट्रेसों में से एक है। हाल ही में धड़क 2 की अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट के साथ ही पब्लिक ने इस मूवी पर एक तमिल मूवी के रीमेक होने का दावा लगाना शुरू किया है। बेसिकली करण जौहर धड़क को जाति व्यवस्था पर बात करने वाली फ्रेंचाइजी के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, मगर इनके लिए वो ओरिजिनल स्टोरी चुनने की बजाय दूसरी इंडस्ट्री में बनी मूवियों को उठा रहे हैं। धड़क 2 की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हाल में सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की बात चल रही है। हाल में तृप्ति डिमरी जब से एनिमल मूवी में देखने को मिली है तब से उनके साथ डायरेक्टर काम करना चाहते है और हाल में सिद्धार्थ चतुर्वेदी की योद्धा मूवी भी रिलीज हुई है जो दर्शक द्वारा खूब पसंद की जा रही है। वहीं धड़क 2 की टैगलाइन की बात की जाए तो इस मूवी की टैगलाइन है, एक था राजा एक थी रानी, जात अलग थी खत्म कहानी। बहुत सुंदर ख्याल मगर उठाया हुआ माल। हालांकि ऐसा नहीं है, करण जौहर ने इसे चोरी छुपे तमिल मूवी का रीमेक कर दिया है। अगर आप धड़क 2 के अनाउंसमेंट वीडियो का एंड क्रेडिट प्लेट देखेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि मूवी परियरम पेरुमल पर आधारित है। इस मूवी में कातिर और आनंदी लीड रोल में थे। ये जो पेरियरम पेरुमल एक सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है। फिल्म की कहानी तमिलनाडु के गांव के कथित आने वाले एक लड़के परियन की है जो जिस जाति से आता है वो वहां की उत्पीड़ित जाति है। फिल्म में उन्हें कथित ऊंची जाति के लोगों के भेदभाव और अपमान मिलता है, मगर वो पढ़ाई में अच्छा है जिसकी वजह से उसे वेली के सरकारी लो कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। कॉलेज पहुंचने पर परियन की मुलाकात महालक्ष्मी नाम की लड़की से होती है। दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्रेम नाम की रिश्तेदारी में बदल जाती है। और आप पूरी मूवी देखना चाहते हैं तो वो अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है और इसी मूवी को अब धड़क 2 में ट्रांसफर किया जाएगा। इसे साजिया इकबाल डायरेक्ट करेगी। साजिया ने बतौर प्रोडक्शन डिजाइनर अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने बेबाक नाम की शॉर्ट फिल्म भी बनाई और ये धड़क 2 साजिया के करियर की पहली मूवी है और ये मूवी 22 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप भी ये धड़क 2 मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।